दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज है ये बाली मेकिंग की चल रही है। अभी तक आपने जाना कि बाली के अंदर होल कैसे किया जाता है, यानी ड्रिल मशीन के बारे में। ये हमारी ड्रिल है। इसके बाद आपने जाना एक ये भी ड्रिल है कि बाली में स्टंपिंग कैसे की जाती है। स्टंपिंग की इसको नीचे दबाने से स्टंपिंग हो जाती है। स्टंपिंग का मतलब ऐसे। इसके बाद उसमें बीच में से चॉप्स कैसे किए जाते हैं, कट चिप्स, तो उसके लिए ये ड्रिल है। लेकिन यहाँ पर एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक ब्लेड लगा दिया है, जिससे ऐसे बाली कट जाती है। अब हम आपको बताएंगे चौथी कड़ी में आज, ये जो बाली होती है ये कटती कैसे है। देखिए, ये है बाली। जब बाली बनती है तो वो इस शेप की होती है, स्प्रिंग बोल सकते हैं आप, स्प्रिंग टाइप की। तो स्प्रिंग टाइप की जो बाली होती है वो कटने का क्या सिस्टम है, कैसी मशीन है, वो मैं दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। लेकिन भैया, उससे पहले पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, घंटी वाला बटन दबा दो, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो। तो देखो, ये जो इस समय इस टाइप की आती है, ये जब बाली बनती है तो ऐसी स्प्रिंग नुमा होती है। तो यहाँ एक हैंडल होता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की बाली होती है, छोटी बड़ी हर साइज की। तो अलग अलग टाइप का हैंडल होता है। जैसे देखिए, मोटी बाली है तो ये हैंडल है, और इससे भी बड़ी बनती है, पतली बनती है, सब तरह की बनती है। यहाँ पे लगा दिया जाता है हैंडल, यहाँ से खोल के बोल्ट इधर हो, और इसमें ये स्प्रिंग फंसी होती है बाली की, जैसे कि ये फंसी है। अब क्या करते हैं, ये एक मशीन होती है, देख लीजिए, ये पूरी मशीन है। इसमें क्या है, एक मोटर लगी है छोटी सी, और ये इधर उधर करने के लिए है दाब। और इसको ऐसे कर देते हैं तो ये नीचे जाता है, और ये 2800 RPM पे घूमता है। देखिए, ये लिखा है होलो पाइप कटर, राउंड पिक पाइप कटर। ये बहुत ही पैना, मतलब शार्प ब्लेड होता है। और यहाँ पर जो ये बाली ये आती है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और जैसे ही आती है ऐसे इसके बाद ये आता है, कट कर देता है, ठीक है। देखिए, ये कहाँ पर आ रहा है, शायद आपको नहीं दिख रहा है, मैं दिखाऊँगा आपको अच्छे से। ये देखिए, ये यहाँ कट लगा हुआ है, तो इसको ऐसे दबाते हैं, कट में चला जाता है, यानी ब्लेड नहीं टूटता है, और हल्का सा छूटता है बस ये उससे, जो स्प्रिंग होती है उससे हल्का सा छूटता है, कट जाती है। तो कट के नीचे ऐसे ऐसे गिरने लगती है। तो ये होगी भाई बाली काटने की मशीन, इससे कटती है बाली। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोबारा बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।